अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपकी नाक मोटी है आप फेमस हो सकते हो, अगर आपका पेट भार है आप फेमस हो सकते हो, अगर आप बच्चोदियाँ अच्छी करते हो तो आप फेमस हो सकते हो। आजकल जो हैशटैग नंबर वन में दे रहे हैं दिखाई, आज हमारे मैदान में उतर रहे हैं डोंकी भाई, डोंकी भाई, डोंकी भाई। वी आर बैक विद एनदर। यार देख भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला अभी। जल्दी हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। हाथ पकड़ने का बोला था, ये क्या पकड़ लिया? हाथ ही पकड़ा है यार। तुम बड़े तेज हो रहे हो, तुम्हें बड़े मजे आ रहे हैं, बड़ी फील ले रहे हो। क्या जैसा आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। जैसा आप समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ 3 साल हो गए, बल्ला नहीं पकड़ा यार। अभी पकड़ लो। नहीं अभी पकड़ लो, आ जाओ अभी पकड़ लो। तो आपको पता है इंडिया चांद पे पहुंच गया है, पता है जनवरी है। ओए 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 ओए, ओए मजा आ गया। और ये गधे की जी में पहुंच गया। अबे ये जंगली सुअर वाली आवाज निकालना बंद कर। और ये क्या खा रहा है तू मजे लेकर? अबे ये खाने के लिए थोड़ी दिया था, इसको टट्टी करके भी दे दो तो ये जंगली सुअरों की आवाज निकाल निकाल के वो भी खा लेगा। यूं करके ओए होए 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 होए, क्या सटिया गया है क्या तू? ताकि खुल के नाक में उंगली डाल सके। निकलने से पहले जो है ना पानी आई, क्या बहुत मजे की चीज बनाने वाली। क्या गेस करो, ये क्या लेके आई हो भाई? गोभी, अदरक, लहसुन भाई। उंगली नाक में ही डालनी है ना या फिर? अबे ये तेरी इतनी सेहत का क्या फायदा जो खीरे गोभी लहसुन लौड़ा। सॉरी यार, यार इससे काम चलाना पड़े, इतनी सेहत का तेरे क्या फायदा? मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, तुम खुद देख लो। अब ऐसी ऐसी हरकत हो रही है, तुम खुद देख लो यार। सामने देखो, वो देखो चांद। आजो भाई, चांद एक यहाँ पे भी है। ले अब दिखा दे, ज्यादा खुजली हो रही थी ना तेरे को, ले अब दिखा दे। यहाँ चांद वहाँ चांद, ले देख ले चांद, आ जा। बहुत मिस करूंगा तुम्हें। अबे बस कर चुतियापा, थोड़ी देर और रहा ना तो मेरा दिमाग फट जाएगा। अबे इसकी जैसी हालत है ना, ये कई रात में खुद के साथ तो सेक्स नहीं करता है। ए? दिन रात जगा मैं, आंखें काली करवा के थोड़े से पैसे आए तो मैंने ले ली होंडा सिविक। अबे तो किसने कहा कि इतनी मरवाओ, इतनी मरवाओगे रात जागोगे तो आंखें तो काली होंगी ना। और ये जो आंखें काली के साथ ये जो पीछे से लाल हो रही है वो कौन बताएगा? वो क्यों छुपा रहे हो, वो भी तो बताओ ना। नहीं नहीं बताओ, तुम तो सच की देवी हो, सब बताओ ना, अब क्यों छुपा रहे हो? 6 साल हो गए मुझे YouTube करते हुए और मैं पहली बार अपने ऊपर पैसे खर्च रहा हूँ। मैं नहीं खर्चता शर्टें, ट्राउजर, ये जूते, ये नॉन ब्रांडेड मैं नहीं पहनता। तुम लोगों ने जिंदगी में मेरे बाजू पे घड़ी नहीं देखी हो। अबे इसको तो झूठ बोलने का ऑस्कर मिलना चाहिए, अपने ऊपर पैसा नहीं खर्चता। ये जो बारात जा रही है ये भी मेरी, ये जो पीछे गाड़ियां लगी हुई है ये भी मेरी, और ये जो दूल्हा बना हुआ चूपा लगा के ये भी मैं हूँ, और ये जो चचुंदरों की तरह बिन बुलाए बराती नाच रहे हैं ये भी मेरे, और ये जो दुल्हन है। नहीं नहीं इसको रहने दो यार, इसको कुछ ना बोलो, पर्सनल हो जाएगा ना। ठीक है उसको मना ना, सील को मनाते हैं, मनाते हैं मना ना। बैक से तो मेरे ऐसी है। अरे यार इसकी हरकतें नहीं जाएंगी। अब ये सुनील का लेने आ गया यार। ये अम्मा ने आके ना सेट कर दिया जो भी है। देखो माँ माँ होती है, माँ को देखो बहुत खुशी होती है, और ये सिर्फ मस्ती थी, मजाक था। डकी भाई को हेड देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फन था, आपको हंसाने के लिए ये रोस्टिंग वीडियो बनाई गई। तो डकी भाई से दिल से माफ़ी चाहते हैं और दिल से कॉन्ग्रेट्स डकी भाई को इलेक्ट्रॉन जीटी की। तो मैं तो बहुत खुश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के डकी भाई बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और मेरे फेवरेट व्लॉगर है। मैं बहुत सी चीज़ें उनको देख के सीखता हूँ, बहुत सी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। तो डकी भाई दिल पे मत लिएगा, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वो जो नीचे सफ़ेद वाला बटन है उस पर एक मीठी सी पप्पी ज़रूर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और कोई पार्ट अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।